And in this class, I am going to teach you chapter 2. In previous class, I have taught you about the globes. And now in this class, I am going to discuss with you about longitude and latitude and prime meridian. So students, see the blackboard. I have drawn the picture of longitudes. See, this is longitudes. And these lines are called longitudes. This is equator. ये equator है, इसके बारे में आपको सबको पता है. And 0 degree is prime meridian. The line 180 degree of this longitude is called eastern hemisphere. And the line from this side 180 degree west is called western hemisphere. So students, now I'm going to teach you from the book. So everybody see the book. Students, we take the North Pole and South Pole as the standard reference point. Students, North Pole and South Pole each standard points. And draw equidistance line from North Pole to South Pole all around the globe. अब North Pole और South Pole से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हम लोग ये लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होगा ग्लोब के चारों तरफ. दिस कॉल्ड द लाइंस लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस. इन्हीं लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस कहते हैं. ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर द सेम लेंथ. जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स के लाइंस हैं उनकी जो लेंथ है वो सेम होगा. दे मीट एट द पोल्स एंड आर फार्दस्ट फ्रॉम ईच अदर एट द इक्वेटर. आप देखोगे कि सब लोग एक पॉइंट पे जाकर मिलते हैं बट इक्वेटर के पास दोनों में दूरी हो जाती है. देयर आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूड्स टोटल 360 लाइन्स हैं उसमें. दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टाइम. और यही लाइन्स हम लोग को टाइम डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. नाउ प्राइम मेरेडियन. Prime meridian is the standard line of longitude assumed to be crossing the Royal Observatory, Greenwich near London. Prime meridian जो है वो एक standard line है longitude का जो कि Greenwich जो London में है उसके Royal Observatory को cross करता हुआ गुजरता है. And it is marked 0 degree. और जहां से वो गुजरता है Royal Observatory से उसको 0 degree mark किया गया है. This longitude divides the world into two equal halves. और यही लाइन पूरे वर्ल्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. The region 180 degree east of the prime meridian is called eastern hemisphere. Student, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में बताया कि वो रीजन जो प्राइम मेरेडियन से ईस्ट की तरफ 180 डिग्री तक जाता है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. एंड द रीजन 180 डिग्री वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरेडियन इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और वो रीजन जो वेस्ट की तरफ जाता है 180 डिग्री तक वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. इंटरेस्टिंगली द लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर द सेम. दोनों का डिस्टेंस सेम होता है. 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों तरफ से दोनों का डिस्टेंस सेम है. दे फॉर्म अ सिंगल लाइन कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. और ये दोनों मिलकर एक सिंगल लाइन बनाते हैं जिसको कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट इज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. सो सी द